अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो तीन स्टेजेस हैं, इन तीनों स्टेजेस में कौन सी स्टेज प्रोडक्शन के लिए सबसे बढ़िया है, यानी कि विच इज द स्टेज इन विच प्रोड्यूसर वुड लव टू लिव, कौन सी स्टेज है जिसमें वो रहना चाहेगा। देखिए, पहली स्टेज में मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, यानी कि मेरे पास अभी भी चांसेस हैं कि मैं अपना प्रोडक्शन और बढ़ा लूं, तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट स्टेज से मैं सेकंड स्टेज में एंटर कर जाता हूं, क्योंकि सेकंड स्टेज के अंदर भी मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अभी भी लेबर और लगाने से मेरे प्रोडक्शन में फायदा हो रहा है मुझे, तो मैं क्या करता हूं, सेकंड स्टेज में मैं एंटर कर जाता हूं। सेकंड स्टेज जब एंड हो जाती है, वहां पर मेरा मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, जैसे अपने वाले एग्जांपल के अंदर इट इज 21। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था मुझे, क्योंकि मेरा टीपी फॉल हो रहा था और एमपी नेगेटिव में चला गया था। तो फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन रोकना कोई अकलमंदी का काम नहीं है, क्योंकि अभी मैं सेकंड स्टेज में जाकर मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल तक पहुंच सकता हूं, और थर्ड स्टेज मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उसमें मेरा प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाएगा। सो कहने का मतलब ये हुआ, इट इज द सेकंड स्टेज विच इज बेस्ट फॉर द फर्म। तो हर प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि वो सेकंड स्टेज के अंदर ऑपरेट करे मैक्सिमम टाइम तक, ताकि वो मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव कर पाए। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि क्या आप इस लॉ को पोस्टपोन कर सकते हो। पोस्टपोनमेंट इस लॉ का पॉसिबल है, बट वो पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब आपके पास कोई फिक्स फैक्टर का अल्टरनेटिव आ जाए, यानी कि आप सपोज एक फैक्ट्री आपके पास फिक्स फैक्टर में कुछ चेंजेस होने लगे शॉर्ट टर्म के अंदर, विच इज नॉट प्रैक्टिकल एक्चुअली, तो अगर आपके फिक्स फैक्टर में कुछ बदलाव हो जाए तब ऐसा पॉसिबल है कि लॉ पोस्टपोन हो जाए, या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर अगर एडवांसमेंट हो जाए, तो ये दो सिचुएशन ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये लॉ पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, चलिए आप इस लॉ में फर्दर हम देख लेते हैं कि अगर हमसे टीपी और एमपी का रिलेशन पूछा जाए सिर्फ, तो आपने अपने एग्जाम में क्या चीज लिखनी है। ये चीज इसी डायग्राम से क्लियर हो जाएगी कि टीपी एमपी का रिलेशन अगर मुझसे पूछा जाता है तो मुझे किस तरीके से अपने क्वेश्चन में लिखना है। जैसे आप जब टीपी एमपी का रिलेशन लिखेंगे तो आपने बोलना है स्टार्टिंग में, टीपी इंक्रीज इंक्रीजिंग रेट, एमपी राइजेस, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। इन द सेकेंड स्टेज TP increases at diminishing rate, MP falls, and when the second stage ends, MP becomes zero and TP reaches maximum level. ये हो गई आपकी सेकेंड स्टेज का एंड। अब थर्ड स्टेज में जब आप आओ जाओगे तो वहां पर क्या हो रहा है, आपका MP बन गया है अब नेगेटिव एंड TP फॉल कर रहा है आपका। तो ये तीनों स्टेजेस हो गई TP और MP के रिलेशन में, आपने ये चीज मेंशन कर दी। चलिए अब देखते हैं कि अगर एपी और एमपी के रिलेशन के बारे में सब हमसे पूछा जाए तो आपने किस तरीके से उन चीजों को बताना है, वो टॉपिक आपने कैसे एक्सप्लेन करना है। इनिशियली आप एपी और एमपी के डायग्राम में जब देखेंगे तो इनिशियल लेवल पर क्या हो रहा है, एपी भी इंक्रीज हो रहा है और आपका एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। ये चीज आप इस टेबल के अंदर भी देख सकते हैं, स्टार्टिंग में जब आपने वेरिएबल फैक्टर्स को ऐड किया तो एमपी भी बढ़ रहा है और एपी भी इंक्रीज हो रहा है। डायग्राम में भी एमपी इज राइजिंग एंड एपी इज राइजिंग। So, पहली स्टेज में क्या होता है, एपी इंक्रीजेस जब तक एमपी जो होता है वो एपी से ज्यादा होगा। सो एपी इंक्रीज टिल एमपी इज ग्रेटर देन एपी। उसके बाद क्या हुआ, जब आपने वेरिएबल फैक्टर्स को और ऐड किया, सो एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद, यानी कि जहां पर फर्स्ट स्टेज एंड हुई थी, उसके बाद एमपी ने तो गिरना शुरू कर दिया था मगर एपी फिर भी इंक्रीज हो रहा था, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो पॉइंट है सी पॉइंट क्यू, यहां पर एपी और एमपी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, जहां पर एपी इज इक्वल टू एमपी एंड जहां पर एपी का मैक्सिमम पॉइंट आया। उसके बाद क्या हुआ, एपी फॉल करता है जब एमपी एपी से नीचे हो जाता है। मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद एपी भी गिर रहा है और अब एमपी भी गिर रहा है, बट इस केस में क्या हुआ, एमपी जो है वो एपी से कम है। आप ये चीज टेबल के अंदर भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, अगर एमपी 3 है तो एपी है 3.5, एमपी अगर 2 है तो एपी है 3.5, सॉरी इट वाज 3.8, इट इज 3.5। सो यहां पर क्या हुआ, एपी फॉल जब एमपी एपी से कम होगा। उसके बाद क्या होता है कि एमपी 0 हो सकता है और एमपी नेगेटिव भी हो सकता है, बट एवरेज प्रोडक्ट या एपी कभी भी 0 या कभी भी नेगेटिव नहीं होता।
ठीक है जी, तो आज वाला जो वीडियो है यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूरा खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो तीनों स्टेजेस थी, इन तीनों स्टेजेस के रीजन क्या होते हैं, वो हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोगों को डेफिनेटली हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, और अभी तक अगर चैनल ने सब्सक्राइब किया हो तो जल्दी से करो यार, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करो और नोटिफिकेशन का बटन भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले और वो वीडियोज आप देख पाओ। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सीपी क्लासेस। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन कीप ऑन वॉचिंग सीपी क्लासेस। कहीं मत जाइएगा, वापस आइएगा इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।